अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में एक दो तब्दीली का इम्कान है। पाकिस्तान का अगला वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने जा रहा है। इस मैच का शेड्यूल टाइम टेबल भी आपको बताएंगे, साथ में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन को भी दबा दें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मैच खेला जाएगा 3 अक्टूबर को। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 पर मैच खेला जाएगा। इस मैच के लिए पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 को अगर देखा जाए, इसमें नंबर 1 पर मौजूद रहेंगे फखर जमान, नंबर 2 पर इमामुल हक, ये दोनों ओपनिंग कर सकते हैं, नंबर 3 पर कैप्टन बाबर आजम, नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पर इफ्तिखार अहमद, नंबर 6 पर सलमान अली आगा, नंबर 7 पर शादाब खान, नंबर 8 पर सऊद शकील शामिल हैं, नंबर 9 पर हसन अली, नंबर 10 पर शहनशाह अफरीदी और नंबर 11 पर हारिस रो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में शामिल रह सकते हैं।